हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले न्यू प्रोजेक्ट। सो जो आज का अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो हमने PHP एंड MySQL यूज कर किया हुआ है। एंड इन द फ्रंट एंड वी हैव यूज HTML CSS एंड JavaScript। इन द बैक एंड वी हैव यूज MySQL सर्वर। सो मोस्टली आई यूज जैम सर्वर। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट मैं जैम सर्वर के साथ फेमिलियर हूँ बहुत ज़्यादा। सो मोस्टली मैं वही यूज़ करता हूँ। सो ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस प्रोजेक्ट का। सो अगर आपको इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाना है, उसमें और डिटेल्स में आपको मिल जाएगी कि इसमें और चीज़ें क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है। बट इन डिटेल्स आप इसको पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। तो आपको पहले क्या करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। इसमें आपके हर एक फंक्शनैलिटी जो जो इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रखी है वो आपको दिख जानी है। एंड फिर एंड में आपको समझ आएगा कि इस प्रोजेक्ट को कैसे आपको बनाना है। और वन मोर थिंग्स, अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं देन इट्स गुड। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है और आप किसी और चीज़ के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप प्रोजेक्ट को जस्ट बाय करने का ट्राई कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा चेक करके आप बाय कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को भी, टू सेव योर टाइम और टू सेव योर एनर्जी। अदरवाइज आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइमिंग है तो। बाय कहाँ से करना है, बाय करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको पूरा देख लेना अच्छे से ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाए अपने इंटरव्यू के लिए। सो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करके PHP MySQL मैंने आपको बता दी है। और जो हमारा बैक एंड है वो हमने जेम सर्वर के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इसका डेटाबेस है पूरा, जो इसके अंदर डेटाबेस यूज़ हो रखा है, सारी फाइल्स हमारे डेटाबेस की यहाँ पर है। और सारी जो भी फ्रंट एंड में हम एंट्रीज फिल करते हैं या जो भी चीज़ हम यहाँ पर एंड ऐड करते हैं उधर, तो यहाँ पर आके हमारी स्टोर हो जाती है वो। सो ये कंप्लीट फाइल्स रिकॉर्ड्स की। और इसके अंदर हमने, हाँ इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ जस्ट। इसके अंदर हमारे पास है दो मॉड्यूल्स, वन इज स्टूडेंट्स जो हमारे नॉर्मली रियल टाइम बेस्ड जो चीज़ हमारे, जैसे हमारे अगर आप हॉस्टल मैनेजमेंट आपने हॉस्टल कहीं पर लिया होगा तो आपको पता होगा हॉस्टल के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है। तो वन इज एडमिन एंड वन इज स्टूडेंट्स। सो ये हमारे स्टूडेंट्स है, वन इज एडमिन। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है जो हमारी रियल लाइफ बेस्ड होती है, द मोस्टली द थिंग्स दैट आर यूज इन रियल टाइम। सो वही चीज़ हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रखी है। और इसको अंदर आप अगर आप इसको परचेज करते हो तो आपको मैं इसको कंप्लीट सेटअप करके विद इन रन आपके सिस्टम पर मिलने वाला है। अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो देन इट्स गुड, आप खुद भी अपना एफर्ट लगाओ ताकि आपके लॉजिक्स और आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो सब चीज़ समझ में रहे। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम, मैं तब बोल रहा हूँ वो चीज़ें बाय करने के लिए। सो चलिए हम पहले इसको डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। सो हमने स्टार्टिंग क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। हम अगर न्यू यूज़र हैं तो हम यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, डिकोडिट नेम हमने रख दिया, डिकोडिट टेस्ट एंड देन निक नेम हमारा डिकोडिट एंड देन इधर फोन नंबर में 1234 1234 1234 एंड वन एंड एज हमने डाल दिया इसमें 25 एंड टेस्ट एंड इधर हमने डेट ऑफ बर्थ में हमने कुछ भी ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इमेज ऐड कर देते हैं यहाँ पर। सो जस्ट हमने अपनी इमेज ऐड कर देते हैं ये वाली, लाइक हम ये वाली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। फोन नंबर हमारा 1234 1234 1234, ये दो नंबर हमारे फादर मदर्स के हमने यूज़ कर लिए, जैसे हमारे हॉस्टल में स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म फिल करते हो देन ऑल दिस डिटेल यू हैव टू फिल दिस टाइप। सो हमने कोर्स, किस कोर्स के लिए हमने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया, ब्लड ग्रुप ऐड करना है यहाँ पर, आधार कार्ड नंबर 1234 1234 1234, फ़ोन नंबर 1234 1234 12, ओके। एंड देन ईमेल, ईमेल में हम ऐड कर देते हैं टेस्ट टू test3@gmail.com एंड देन यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो भी हमारा यूजर नेम पासवर्ड वो हमें ऐड करना है जो हम इसको यूज़ करने वाले हैं, हाउस नंबर वन प्लेस टेस्ट पोस्ट ऑफिस टेस्ट सिटी कुछ भी ऐड कर देना, पिन कोड 1234 1 एंड देन यहाँ पर भी टेस्ट, यहाँ पर भी हमने टेस्ट, ओके। तो ये हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। बट अभी इसके अंदर हमारे पास क्या है, रूम सिलेक्शन का ऑप्शन है कि हमें रूम कौन सा लेने वाला है। ठीक है, तो सिंगल रूम चाहिए हमें, एक हमारा बचता हुआ है, डबल रूम भी हमारा एक ही बच रहा है एंड ट्रिपल शेयरिंग में हमारे पास अभी काफ़ी रूम बच रखे हैं। तो अगर मैं परचेज करता हूँ शेयरिंग में
एंड देन सबमिट। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर जाके, डेटाबेस के अंदर आप स्टूडेंट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर एंट्री फिर हो के मिल जाएगी ये वाली। तो ये भी लास्ट जो हमने रिसेंटली अभी एंट्री फिल करी है, देन इट विल शो इन अ डेटाबेस। सो नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू लॉग इन, ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, जाके गूगल पर सर्च करना updatekar.com पर, तो आपको वहाँ पर इसकी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। सर्च में जाकर आपको ऐड करते हैं ये वाला प्रोजेक्ट करें, तो इसको लॉग इन करते हैं अभी हम। डिकोड इट एंड देन डिकोड इट एज ए स्टूडेंट एंड देन लॉग इन किया हमने। तो एज ए हम अभी न्यू है तो हमारी कोई रूम्स या बिल्स अभी पेमेंट कुछ नहीं होगी, तो हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें अपनी प्रोफाइल को ऐड करना है, एडिट करना है, तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अपडेट करना है तो हम यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं रूम्स पर। अगर हम रूम्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें रूम्स दिख जाएंगे, सिंगल्स रूम, डबल्स रूम एंड ट्रिपल्स रूम्स या डबल शेयरिंग के अंदर। तो अभी ये रूम बचता है, ये रूम बचता है और ये रूम हमारे पास ये बचते हैं अभी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से भी कोई रूम परचेस करना चाहें तो यहाँ से हम परचेस कर सकते हैं। लाइक परचेज इन द सेंस कि हम उसको अलॉट करा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला रूम अभी एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है, तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये सिंगल रूम के लिए भी हम यहाँ पर अभी एम्प्टी है तो इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। या अगर हमें ये वाला रूम चाहिए तो ये शेयरिंग के लिए है 3 बंदों के साथ, तो यहाँ पर इनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक बंदा हम हो जाएंगे यहाँ पर। और इस पे इसमें भी काफ़ी बंदों की रिक्वेस्ट ऑलरेडी है शेयरिंग पे। ये रूम अभी इस पे कोई बंदे नहीं है, तो इसमें देखो आप रियल टाइम हमें दिखा रहा है, एक ये बंदा इस पर है, एक बंदा ये और एक बंदा ये, इन 3 बंदों को शेयरिंग में रहे, 2 बंदों की शेयरिंग है, तीसरा बंदा भी आया नहीं इसके अंदर। इसके अंदर भी हमारे पास 2 बंदे ऑलरेडी हैं। ठीक है, एक एम्प्टी है यहाँ पर, 2 बंदे आ चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई नहीं है। इसके अंदर हमारे पास डबल शेयरिंग है तो एक बंदा आ चुका है, एक बंदे की रूम अभी अवेलेबल है। तो जैसे हमारा रियल टाइम पे हमें दिखता है ना, ऐसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर लाइक इन रियल लाइफ, रियल टाइम बेस्ड। तो हम यहाँ पर स्वैपिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वीकेंड रूम चेक कर सकते हैं। वीकेंड रूम हमने ऐड नहीं कर रखा है, बट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं स्वैपिंग रिक्वेस्ट, ये हमने ऐड नहीं कर रखा है वैकेंट रूम, क्योंकि हमारे यहीं पर ही दिख जा रहे हैं वैकेंट रूम, जितने भी हमारे पास रूम्स हैं तो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम बिल्स पर चेक करेंगे तो हमारे पास अभी कोई बिल्स ड्यू क्यों है, क्योंकि हमने अभी एक रूम के लिए अलॉटमेंट कर रखा है। तो यहाँ से हम पे भी कर सकते हैं, पे की फंक्शनैलिटी भी है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम इसको पे करेंगे तो अभी ये पे नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि इधर से इसको हमने ऐड नहीं किया है। हाँ, क्योंकि इसका कोई भी पेमेंट ड्यू एडमिन के एंड से नहीं है, तो अभी एडमिन जब इसको पेमेंट का रिक्वेस्ट करेगा तब आएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं एज ए यूजर, सजेशंस हाई नीड नीड वाटर या कुछ भी, जो भी हम सजेशन करनी है, कंप्लेन करनी है, इंक्वायरी करनी, यहाँ से हमने ऐड कर दिया और तो ये हमारी चले जाएगी रिक्वेस्ट एडमिन के पास। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से जाकर चेक करेंगे तो अभी कोई इनबॉक्स नहीं है, क्योंकि इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बिल्स का, रूम्स का, ये हमारा हो गया यूजर एंड पर। ठीक है, अब हम अगर इसको चेक करते हैं एज ए एडमिन है, तो एडमिन क्या क्या इसके अंदर कर सकता है, तो अभी हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं यहाँ से, एंड देन हम एडमिन के क्रेडेंशियल्स के हम उसको लॉग इन करते हैं। जस्ट ट्राई टू लॉग इन एज ए एडमिन, सो नाउ इट विल शो द एज ए एडमिन पैनल। इट विल शो ऑल द रिक्वेस्ट दैट यूजर हैज गिवन। सो ये हमारी एक रिक्वेस्ट ये थी, एक रिक्वेस्ट ये है, तो इसको चेक कर सकते हैं। लाइक डिकोड इट, और ये अभी MB में पढ़ रहा है, सो इसने ये रिक्वेस्ट करी है। ठीक है, वी कैन अप्रूव और रिजेक्ट, इस रिक्वेस्ट को हम अप्रूव कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं एज एडमिन। रोड मैप एप्लीकेशन यहाँ पर कोई नहीं है, वैकेंट ये हमने यहाँ पर ऐड नहीं कर रखा है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं अगर आपको रिमूव करना है। अगर आपको इसको ऐड ऑन करना है तो यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं वैकेंट एप्लीकेशन को, इसकी कोई नीड नहीं है वैसे। और यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास किसी यूजर्स को अगर हमें सर्च करना है, देन वी कैन सर्च अवेलेबल रूम्स, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल रूम्स दिखा देगा कि अभी ये एक रूम बचता है, ये एक रूम, ये आई थिंक हो चुका है, हाँ ये हो चुका है, एक बंदे इसमें भी रह रहा है और एक बंदे का इसमें भी स्पेस है। ठीक है, और जो थर्ड था ये हमारा फुल हो चुका है आई थिंक, इसको हम अगर चेक करें तो इसको हम नोटिफिकेशन कर सकते हैं पेमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम उस यूजर को चेक करते हैं जिसने अभी हमारे को क्या किया है, हम उसके साथ सब चीज़ें करेंगे। इस बंदे को हम क्या करते हैं, अप्रूव कर लेते हैं, इसने कौन सा रूम लिया है, टी
आर टू सी। तो हमने इस यूजर ने टी आर टू सी लिया है, ठीक है, हम इसको अप्रूव करते हैं एंड देन अप्रूव किया और हम इसको पेमेंट भी डालते हैं, ठीक है। रूम में कौन सा था, टी आर टू सी, ये वाला रूम है, ठीक है, इसमें ये वाला यूजर्स रह रहा है अभी। एंड देन हम इसको क्या करते हैं, अभी इसने कोई पेमेंट नहीं कर रखे है तो इसको नोटिफाई कर देंगे पेमेंट का। तो अभी उस यूज़र के पास क्या हो चुका है, पेमेंट जा चुकी है, तो पेमेंट का नोटिफिकेशन जा चुका है। हम बिल्स पर जाएंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बिल चेक कर सकते हैं, अगर हमें कुछ चेक करना है तो यहाँ से मैं दिखा देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी का बिल्स दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनको हम नोटिफाई भी कर सकते हैं, जिसको भी नोटिफिकेशन डालना है हमें तो हम यहाँ से डाल सकते हैं, उनकी कमेंट भी यहाँ पर हमें दिख जाएगी, जैसे हमारे एडमिन पैनल पर सब चीज़ दिखती है तो वो यहाँ पर दिखने वाली है हमें। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई रेंट ऐड करना है, ठीक है, और सभी को हमें इन्फॉर्मेशन में डालनी है, तो हम यहाँ डालते हैं 1 2 3 4 ऐड रेंट। तो ये हमने क्या किया, रेंट ऐड कर दिया, और जो कि हमारा इस मंथ का, इस ईयर का अपडेट है 25 तक, तो इस मंथ का रेंट पेंडिंग है और ये सभी को नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो हम इसको भी नोटिफिकेशन डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अभी दो नोटिफिकेशन जा चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर कोई कमेंट नहीं है तो हम यहाँ से कमेंट डाल सकते हैं कि प्लीज ऐड फी, और यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव करके सबमिट कर देंगे। तो ये उस यूजर के एंड पर हमें कमेंट दिखने वाली है। लाइक मैं इसको एज ए इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेता हूँ, देन तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें प्रोजेक्ट, क्योंकि रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट है हमारा, तो रियल टाइम में जैसे हमारा रियल टाइम में दिखेगा तो वो ज़्यादा समझ में आएगा और आप इसको कॉलेज में अच्छे से समझा पाओगे फिर, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ओपन कर लेते हैं इधर से और इधर से। तो इस स्टूडेंट्स को हमने क्या किया था, डिकोडिट हमारा यूज़र नेम था एंड पासवर्ड भी हमारा सेम ही था। ओके आई थिंक ये लॉग आउट हो चुका है, इसको लॉग इन करते हैं, लॉग इन डॉट पी एच पी एंड डिकोड इट एंड स्टूडेंट्स। ओके तो हमने अभी इसको लॉग इन किया और हम बिल्स में जाएंगे ना, तो हम यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 पेमेंट्स दिखा रहा है, हॉस्टल रेंट ये अभी पेंडिंग है, ठीक है। और हमने इधर से क्या किया, इसको नोटिफाई किया है और यहाँ पर भी हमें दिख रहा है यही चीज़ कि पे करना है या नहीं करना है हमने, जो ड्यू है ये, और इधर से नोटिफिकेशन डाला हुआ था तो हम इसको पे कर सकते हैं, यहाँ से पे किया, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। और हम इधर इधर के एंड पे इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पेमेंट हो चुकी है, लाइक बिल एंड पेमेंट पे हम चेक करें जाके। ओके और यहाँ पर आई थिंक दिख नहीं रहा है वो ड्यू पेड। ओके देखो अभी यहाँ पर वो हमारा पेड दिखा दिया उसने, जिस जिस बंदे ने पेड कर चुके हैं वो, ठीक है। और जो उसने कमेंट करी थी यहाँ पर, तो वो भी हमें यहाँ पर दिखने वाली है उस यूजर्स के एंड पर। हम जाएंगे कॉन्टेक्ट अस इनबॉक्स, कॉन्टेक्ट अस पेमेंट, आई थिंक ये यहाँ पर दिख नहीं रही कमेंट्स, कमेंट्स कहाँ पर दिखेगी, रूम्स पर जाएं तो स्वैप रिक्वेस्ट, आई थिंक रिक्वेस्ट स्वैप नहीं है तो वो यहीं पर दिखनी चाहिए थी, आई थिंक उसका कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है, तो मे बी वो आई डोंट नो, वो आई थिंक वो एडमिन के एंड पर ही दिखेगी, क्योंकि एडमिन ने उसके लिए एक मैसेज ऐड किया है ना, इसलिए वो यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो उस प्रोफाइल के लिए उसने कोई भी लाइक यहाँ पर उसने ऐड किया ना, उस प्रोफाइल के लिए कि उसने पे कर दी है कि नहीं कर दी है, ठीक है। तो वो यहाँ के लिए एक नोटिफिकेशंस था उसके लिए, यहाँ पर वो जो भी ऐड करना चाहे। और इनबॉक्स में जो हम भी अभी हमने क्वेरी डाल ली थी इनबॉक्स में, वो आ गई यहाँ पर, उसको हम चेक करेंगे यहाँ से, ईड वाटर अर्थ को अपडेट करते हैं अपडेटेड, और रिप्लाई किया तो वो हमारा हमारे एडमिन पर दिखने वाला है, यहाँ पर आएंगे ना इनबॉक्स, इनबॉक्स चेक करते हैं अगर हम, तो ये हमारे पास आ चुकी है क्वेरी, ठीक है। और जो हमने अभी क्वेरी ऐड करी थी अपडेटेड, तो जो भी रियल टाइम बेस पर जो चीज़ें हो सकती है, तो ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर योर फाइनल ईयर और फॉर योर जॉब इंटरव्यूज दैट यू कैन शो केस इन योर इंटरव्यू टाइम। और इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा कर सकते हो आप, जितना मैंने बताया, यू कैन ऐड दीज थिंग्स
एंड यू कैन ऐड समथिंग फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। सो इनबॉक्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें, बिलिंग का भी हमारा रियल टाइम बेस्ड है कि हम नोटिफिकेशन डाल सकते हैं पर स्टूडेंट को, लाइक कि मेस का अगर हमें कुछ ऐड करना है, मेस की फ़ीस कितनी है और हॉस्टल रेंट हमें ऐड करना है तो यहाँ से उसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमें करना है कुछ भी चीज़ों का ऐड। और यहाँ से हम रूम्स देख सकते हैं कि किस बंदे ने क्या रूम्स ऐड किया हुआ है, उसको नोटिफाई डाल सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हमारी रियल टाइम बेस्ड होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो ऑफ अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।